रात के बज रहे हैं 2:53, सुबह यहाँ से ट्रेन डिपार्ट होगी मुंबई से दिल्ली मोरा के लिए। दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं तेज के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल में, जो कि 97 ईयर से भी ज्यादा पुराना है। तो साइड में खड़ी थी वंदे भारत एक्सप्रेस, क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सी वंदे भारत है? दोस्तों ये है 20901 मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये खड़ी है मुंबई अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12009। तो ट्रेन अभी तैयार हो ही रही होती है कि बगल से आ जाती है सौराष्ट्र मेल। ट्रेन अपने निर्धारित समय सुबह 5:40 पर मुंबई सेंट्रल से हो जाती है डिपार्ट, और साइड में रेडी हो रही है मुंबई अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी का डिपार्चर मुंबई सेंट्रल से लगभग 6:20 पर होगा, और वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस 6 डिपार्ट हो जाएगी। मुंबई के आउटर से ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ चलती है। ट्रेन का अगला स्टॉप है दादर वेस्ट। आज यह तरफ बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि इससे पहले हमने बिलीमोरा और वघई सेक्शन को कभी कवर नहीं किया था। तो आज हमारा उद्देश्य है बिलीमोरा वघई सेक्शन को कवर करने का, जिसलिए हमने गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस पकड़ा है। तो ट्रेन मुंबई के खूबसूरत नजारे से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चली थी। जिस दिन हम ये यात्रा कर रहे थे उस दिन ट्रेन भरूच के आगे नहीं जाने वाली थी, क्योंकि उसके आगे चल रहे काम की वजह से ट्रेनों को वहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो ट्रेन अभी थोड़ा ही आगे चली थी और पीछे पीछे इसके वंदे भारत आ रही थी। तो साइड से क्रॉस होती है मुंबई सेंट्रल हापा दुरंतो एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12268। और ट्रेन अब शायद पहुंच रही है केलवे रोड स्टेशन। तो केलवे रोड आते आते ट्रेन ने 78 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी कर ली है। वहीं दूर से दिखने लग जाती है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या जबरदस्त ओवरटेक था ये। फिर ट्रेन हो जाती है डिपार्ट, और साइड में आप देख सकते हैं ये नॉन एसी डबल डेकर कोचेस जो फ्लाइंग रनिंग में लगते हैं।
ट्रेन फिर बोईसर, दाहनु रोड, कुमाराग्राम, भिलाड, वापी, उदवाड़ा, वलसाड होते हुए बिलीमोरा पहुंच चुकी है। और बिलीमोरा पहुंचने से ही हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है, क्योंकि बिलीमोरा में वो ट्रेन खड़ी है जिसका हमें इंतजार था। तो हम फिलहाल बाहर आते हैं, सोचते हैं थोड़ा स्नैक्स और थोड़ा यहाँ का लोकल सीजन ट्राई कर ले, और फिर हम पहुँचते हैं बिलीमोरा वघई के प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ खड़ी है ट्रेन और इसकी यात्रा आपको मैं दिखाऊंगा अगले पार्ट में। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने बिलीमोरा तक पहुँचने तक की यात्रा कवर की है। अब अगली जर्नी आएगी बिलीमोरा वघई की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।